हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ उपवास में खाने वाली साबूदाने की खिचड़ी। ये सभी लोग खा सकते हैं और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची का उपयोग ना करें। तो आइए देखते हैं साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनती है। यहाँ मैंने साबूदाने को 3 घंटे पहले अच्छे से भिगो के रखा था और ये देखिए कितने अच्छे खिल चुके हैं हमारे साबूदाने। मैंने 2 बड़े आलू अच्छे से वॉश करके कट कर लिए हैं, डाइस कर लिए हैं, और 1 मिर्ची मैंने ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची यूज़ ना करें। मैंने शेंगदाने लिए हैं यहाँ पे, इससे साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और लिया है जीरा। हम नमक जो है अपने स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे और तेल हमारी ज़रूरत अनुसार। यहाँ मैंने कढ़ाई गरम होने रखी है। अब मैं ये शेंगदाने को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। शेंगदाने का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है साबूदाने की खिचड़ी में, तो हम इसे अच्छा ब्राउन भून लेंगे। इसमें मैंने मिर्ची भी कट करके डाल ली है। जब साबूदाना और मिर्ची अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद मैं सबसे लास्ट में मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी ताकि वो बस हल्का गर्म हो जाए। हमें जीरे को जलाना नहीं है, हमें बस उसे हल्का सा गर्म करना है। तो ये देखिए हमारे शेंगदाने हो चुके हैं। अब हम इसे ब्लेंडर जार में हम क्रश कर लेंगे। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ मैंने तेल ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे कटे हुए आलू। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। आलू जब अच्छे से फ्राई होते हैं तब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है साबूदाने की खिचड़ी में। तो हम इसे अच्छे ब्राउन हो जाएं, अच्छे लाल हो जाएं, उतना हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि आलू पक भी जाएं और अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू अच्छे फ्राई हो गए हैं। हमें इतने ही फ्राई करने हैं इसे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे फ्राई हो जाते हैं तो बहुत ही क्रंची इसमें साबूदाने की खिचड़ी में इसका टेस्ट आता है। हम एक बार इसे देख लेंगे कि हमारे आलू अच्छे से पक गए हैं। जी हाँ, हमारे आलू बहुत ही अच्छे पक गए हैं और फ्राई भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। हम अपने स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे। उपवास में सेंधा नमक ही खाया जाता है तो हम वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसके बाद ऐड करेंगे हमने जो शेंगदाना, मिर्ची और जीरा जो भुना था उसको हमने ब्लेंडर जार में हमने क्रश कर लिया है और अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। और हम डालेंगे हमारे जो भीगे हुए साबूदाना थे वो। हम इसे डाल के इसे हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे, अच्छे से स्टर कर देंगे ताकि सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे और बस हमारे साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट ढक के पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी है, एकदम अलग तरीके से हमने इसे बनाई है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये अलग टाइप की खिचड़ी है, बहुत ही अच्छी है। और जो आप नॉर्मल साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी सी हटके है और आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू, बाय।